नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे 9.1 प्रश्नावली के बारे में। कल हमने 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी और आज हम स्टार्ट करेंगे 9वीं प्रश्नावली को, जिसके अंदर ये प्रश्नावली बहुत आसान है। ये इसके बारे में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आप पढ़ चुके होंगे पहले क्लासेस के अंदर, आपने पढ़ लिया होगा इस प्रश्नावली को। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए, और जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इस प्रश्नावली के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर 4 नंबर के एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसी प्रश्नावली के अंदर है और किस प्रकार से हम इस प्रश्नावली को कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलों से, कौन कौन से फॉर्मूले इस प्रश्नावली के अंदर लगेंगे वही हम स्टार्ट करेंगे अभी, देखते हैं। पिछली प्रश्नावली के अंदर हमने क्या देखा था कि एक समकोण त्रिभुज था हमारे पास में, क्या था, एक समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर हमने देखा था कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है कि लंब होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या पढ़ा था हमने, लंब पढ़ा था। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की वो क्या पढ़ी थी हमने, कर्ण। या बता सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार होता है। पढ़ा था ना हमने पिछली प्रश्नावली के अंदर, बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया था इस चीज को। इस प्रश्नावली के अंदर हम क्या करेंगे कि इन्हीं का यूज होगा सबसे ज्यादा। आपको थीटा कोण मानना पड़ेगा, वो थीटा के सामने वाला लंब को लेकर के इनके बीच में रिलेशन जो पढ़े थे ना आपने, साइन थीटा बराबर लंब कोण में कर्ण, वो वाले रिलेशन अच्छे तरीके से आपने चाहिए, लाल पट्टी कक्का वाले, ठीक है। तो वो रिलेशन हमने क्या पढ़े थे कि साइन थीटा हमेशा क्या होता है, साइन थीटा हमेशा होता है लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पिछले प्रश्नावली के अंदर इन चीजों का अध्ययन किया था। और टेन थीटा क्या होता है, हमेशा टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और कोट थीटा आधार बटे लंब होता है। इन चीजों का बहुत ही अच्छे तरीके से इनका यूज भी हमने किया था और अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर किया था। और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। कोसेक थीटा इनका तो ज्यादातर यूज नहीं होगा, ज्यादातर इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा इस प्रश्नावली के अंदर। इन चारों को याद रखना, ठीक है, इनका सबसे ज्यादा यूज होगा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और हमारे पास में सेक बच गया, सेक क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा कर्ण अपॉन में आधार। इनका कम यूज होगा लेकिन इनको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। जो त्रिभुज के अंदर कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है, ये पता होने से थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो इसी का यूज करते हुए हम स्टार्ट करेंगे 9.1 प्रश्नावली को, ठीक है। 9.1 प्रश्नावली के अंदर एक आएगा उन्नयन कोण और एक आएगा अवनमन कोण। क्या होते हैं उन्नयन कोण, देखते हैं। उन्नयन कोण को समझने का प्रयास करते हैं पहले। उन्नयन कोण हमेशा किसको बताएगा, दृष्टा होगा नीचे और कोई वस्तु है यहाँ पर, या मीनार दी हुई होगी आपको, मीनार को ऊपर की ओर देखता होगा ना, उन्नयन कोण में हमेशा क्या किसको देखेगा, ऊपर की साइड की ओर देखेगा। ये क्या है, हमारी दृष्टि रेखा होगी, इसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और ये क्या होगा, आधार हमारा, जो हमेशा ग्राउंड से सटा हुआ होगा ना, उसे बोलेंगे आधार। दृष्टि रेखा और आधार के बीच में जो कोण बनेगा ना, उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, ठीक है। और जो अब देखो, एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तो हमने देख लिया, ऊपर की ओर देखेगा, नजर हमेशा क्या होगी, ऊपर की साइड की ओर होगी। और अवनमन कोण में क्या होगा, अवनमन कोण इसमें जो नमन, नमन हम कैसे करते हैं, नीचे झुककर नमन करते हैं, तो इसको याद रखने का क्या है कि यहाँ पर होगा दृष्टा, दृष्टा यहाँ पर होगा, ये किसी मीनार पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आधार है इसका, आधार से ये नीचे की साइड देखेगा, नीचे की साइड देखेगा, तो आधार के सामने वाला हमेशा क्या होता है, आधार। दृष्टि रेखा यहाँ पर ली जाएगी, दूसरा आधार लेंगे हम, मानेंगे यहाँ पर आधार, और आधार और ये दृष्टि रेखा जो है ना, इसके बीच में ये क्या है, यहाँ पर दृष्टि रेखा, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो ये कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पर
अवनमन को। हमने देखा था कि पहले हम पढ़ चुके हैं अंत अभिमुखी कोण कौन से होते हैं। जड़ हमेशा क्या होता है, थीटा। यदि ये है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये कोण यदि अवनमन कोण है थीटा, तो ये भी क्या होगा, अवनमन कोण होगा। इस प्रकार से ये त्रिभुज बनेगा ए बी सी, ठीक है। और ये भी क्या मान लेते हैं, ए बी सी। तो इस प्रकार से होता है, उन्नयन कोण के अंदर हमेशा दृष्टा ऊपर की ओर देखेगा और अवनमन कोण के अंदर दृष्टा हमेशा नीचे की ओर देखेगा। इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 9.1 प्रश्नावली को, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है इस प्रश्नावली के अंदर, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शीर्ष से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। ये क्या करना है हमें कि एक त्रिभुज लेना है। त्रिभुज क्या, एक मीनार दे रखी है अपने को, एक डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी क्या मानते हैं, ये वाली डोरी है हमारे, ठीक है। 20 मीटर लंबी डोरी है, डोरी की लंबाई हमें दे रखी है 20 मीटर लंबी, अच्छी तरीके से तनी हुई है, भूमि के सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये क्या बंधा हुआ है, शीर्ष से बंधा हुआ है। शीर्ष से बंधा हुआ है तो भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण, डोरी के द्वारा भूमि स्तर से बनाया गया कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री दे रखा है तो हमें पूछिए खंबे की ऊंचाई, ये वाली जो है ना खंबा, ये है खंबे की ऊंचाई, एच हमें पूछी है। तो अभी हम कैसे करेंगे, ये मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है हमको, 20 मीटर लंबी ए बी के लिए हमारे पास में ए सी की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, बी सी ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन थीटा का संबंध होता है। तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा में जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है और कौन सी निकालना है, उसके बीच में रिलेशन कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात का होगा, वो चीज देखनी पड़ेगी, उसके बाद में वो प्रॉपर्टीज लगा देनी है। साइन थीटा हमने क्यों लिया, यहाँ पर कोस थीटा भी ले सकते थे और टेन थीटा भी ले सकते थे। क्यों हमने साइन थीटा को लिया, क्योंकि करण और लंब में, करण हमको दे रखा है, लंब हमें फाइंड करना है, तो लंब बटे करण क्या होता है, साइन थीटा। तो इसलिए हमने साइन थीटा को यहाँ पर लिया है। लंब क्या है हमें ज्ञात करना है, एच, और करण क्या है हमारे पास में, ए सी। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एच अपॉन में ए सी की क्या दे रखी है हमको, 20 मीटर, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन थीटा में दे रखा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर एच अपॉन में 20, इसको सोल्व कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सारणी तो याद होगी सभी को, यदि सारणी याद नहीं है तो पहले उसको याद करना, 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 एच अपॉन में 20। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 20 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। एच की हमारे पास में वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 मीटर, जो क्या है हमारे पास में, खंबे की ऊंचाई है। बहुत ही आसान है ना क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो जिसमें रिलेशन दे रखा हो ना, जो चीज हमको दे रखी हो और जिसमें रिलेशन ज्ञात करना हो, उसको अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है उसको लेना है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। ये पेड़ है एक, जो आंधी आने पर क्या हो जाता है, टूट जाता है, बीच से यहाँ से टूट चुका है। और जो टूटा हुआ भाग है वो एक यहाँ पर जमीन की सतह है, टूटा हुआ भाग कहाँ से, जमीन से छूने लगता है, ठीक है। ये टूटा हुआ भाग, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है हमेशा, याद रखना, ठीक है। ये हम मानते हैं, जैसे मान ली H1 और ये क्या हो जाएगी H2, तो ये H2 है ना, ये H2 और H2 सेम है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है। तो हमें क्या दे रखा है, जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो टूटा हुआ भाग है जमीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, ठीक है। और बाद बिंदु किस
क्या बोलेंगे, पेड़ का पात बिंदु ये होगा, जो नीचे वाला भाग होता है ना पेड़ का, जहां पर जड़े होती है वो कहते हैं इसको पात बिंदु। ठीक है, पात बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। जहां पर शिखर छूता है ना वो कितनी दे रखी है हमको, 8 मीटर ये दे रखी है। और पेड़ की ऊंचाई हमको पूछी है, ये टोटल ऊंचाई है ना पेड़ की, ये हमें पूछी गई। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दे क्या रखा है, 8 मीटर थीटा। थीटा को अब ज्ञात करते हैं हम क्या जानते हैं, हमारे पास में लंब ज्ञात करना है अभी, और आधार दे रखा है। तो आधार और लंब में क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा का रिलेशन, तो वही इसमें मतलब अप्लाई करेंगे। त्रिभुज मान लेते हैं ये ए बी सी है, और ये एक पॉइंट मान लेते हैं डी है। तो अभी हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमें ज्ञात करना है पहले ए सी को। ए सी को ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, एस टू की लंबाई ज्ञात करेंगे सबसे पहले। एस टू ज्ञात करने के लिए लंब और करण में, आधार और करण में कौन सा रिलेशन होता है, कोस थीटा का रिलेशन। तो अभी हम लगाएंगे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है हमेशा, हम आधार बटे करण होता है जानते हैं। ठीक है, और आधार क्या दे रखा है हमको यहाँ पर, ए बी, और करण क्या है, ए सी। तो ए बी क्या है हमारे पास में, 8 मीटर, और ए सी की लंबाई हमें दे रखी है एस टू। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 8 अपॉन में एस टू। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2 बराबर 8 अपॉन में एस टू। √3/2 को इधर ले जाते हैं और एस टू को दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 16 अपॉन में √3। ठीक है, एस टू की लंबाई आ चुकी है हमारे पास में। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, एच वन ज्ञात करते हैं। एच वन कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो एच वन और एच वन क्या है यहाँ पर, त्रिभुज के अंदर लंब है ना, तो लंब और आधार के अंदर कौन सा रिलेशन होता है, टेन थीटा का। तो अब हम लगा देंगे टेन थीटा बराबर एच वन बी सी अपोन में हमारे पास में हो जाएगा ए बी। बी सी क्या है, लंब है, और ए बी क्या है, आधार है, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा लंब होता है। बी सी लंब हो गया और ए बी क्या हो गया, आधार। बी सी क्या दे रखा है हमको, एच वन अपोन में आधार क्या है 8। थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, टेन 30 एच वन अपॉन में 8। टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू एच वन अपॉन में 8। एच वन क्या हो जाएगा यहाँ से, एच वन हमारे पास में आ जाएगा 8 अपॉन में √3। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि एच वन और एच टू हमारे पास में आ चुका है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करते हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, एच वन प्लस एच टू है ना, तो अब हम ज्ञात करेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, एच वन प्लस एच टू। एच वन की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, एच वन की वैल्यू थी 8 अपॉन में √3, और एच टू की वैल्यू 8 अपॉन में √3 थी हमारे पास में, और एच टू की वैल्यू है 16 अपॉन में √3। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, √3 लघुत्तम आ गया, और 8 प्लस 16 बन जाएगा ऊपर, ये कितने हो गए 24 अपॉन में √3। 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 24 को लिख सकते हैं 8 × √3 लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं ना, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, 8 √3 आंसर आ चुका है। अब इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे कर दो, 8 × √3 की वैल्यू होती है 1.731। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 24 2 58 15 कितने हो गए, 15 हो गए, 13 अपॉन में हमारे पास में आ चुका है, 13 अपॉन में 848 आंसर आ चुका है इसका। ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना ही निक कर दोगे ना तो भी ये इस राइट होगा आपका, मीटर कर देना पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देना, अतः पेड़ की ऊंचाई कितने आ चुकी है, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ठीक है, इतना भी आंसर कर दोगे ना तो ये क्वेश्चन सही होगा आपका। ठीक है, √3 की वैल्यू नहीं भी रखोगे तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यदि रख दोगे तो अलग इंप्रेशन पड़ेगा उसका, पर ठीक है, यहाँ तक भी सोल्व कर दोगे ना अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक भी अच्छे तरीके से सोल्व करना यार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, पेड़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा था, दे रखा था एक पेड़ दे रखा था जो टूट चुका था बीच में से, आंधी आने से। ठीक है, टूट
टूटने के बाद में वो दूसरे सिरे से क्या होने लगा, छूने लगा, जमीन की दूसरी सतह से छूने लगा, तो उसके अंदर हमें दे रखा था H1 और H2, हमने माना था इसको H1+H2 पेड़ की ऊंचाई थी। पहले हमने H1 को निकाला, फिर H2 को निकाला और दोनों को टोटल करके इसका आंसर निकाल दिया। बहुत ही आसान है, एक बार लगाया cos थीटा और एक बार लगाया tan थीटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन शायद वीडियो लंबी हो चुकी है आज की, तो आज हम दो ही क्वेश्चन करेंगे, कल से हम कितने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है।